ये गोभी की सूखी सब्जी बनाई हूँ। देखिए कितना ही टेस्टी और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आइए मैं बनाना शुरू करती हूँ गोभी की सब्जी। तो देखिए कि मैं इस गोभी की सब्जी को किस तरह से बनाई हूँ। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। अगर एक बार इस तरह से आप बनाते हैं तो बार बार बनाएंगे इस तरह से और खाएंगे। तो आज गोभी की सब्जी बना रहे थे, सूखी गोभी की सब्जी बनाऊंगी। तो इसे गोभी को मैं काट लेती हूँ। तो ये देखिए मैं काटी हूँ और इसके साइड साइड से जो छिलके हैं वो हटा दिए सभी गोभी के, ये देखिए। और प्याज भी काट ली हूँ और टमाटर भी काट लिए हैं और मिर्च भी काट लिए हैं। और लहसुन को कूट लेते हैं। तो ये कूट लिए हैं लहसुन को। तो चलिए चलते हैं, गोभी को मैं धोती हूँ। अच्छी तरह से धो लें। तो चलिए धो लिया, अब इसमें मसाले को मिलाती हूँ। तो इसमें मसाला डालते हैं। स्वाद अनुसार मिर्च ज्यादा तीखा रखते हैं तो ज्यादा डालें। धनिया 2 चम्मच, चलिए 2.5 चम्मच डाल दूंगी धनिया। हल्दी 1 चम्मच, लहसुन को जो कुटे थे उसे भी डाल दें 1 चम्मच है, और प्याज डालते हैं। इसमें थोड़ी सी तेल डालेंगे 2 चम्मच, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो इसमें थोड़ी सी जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 4-5 लौंग ले लें, और दालचीनी 1 टुकड़े ले लें। चलिए इस तरह से सभी को तेल गरम हो चुका है तो इसमें डाल देते हैं। तो जीरे में से खुशबू आने लगी है तो इसमें डाल देते हैं मिर्च। इसमें डाल देंगे सारे सब्जियों को जितने मसाला मिक्स किए हैं। नमक स्वाद अनुसार, आप मसाले के साथ भी नमक को मिला सकते हैं। और इसे इस तरह से ढक ढक के पकाएंगे। प्याज से पानी छूट गया है, तो इसी तरह से ढक ढक के पकाएंगे, हमारा गोभी गल जाएगा।
मीडियम या स्लो रखें, नहीं तो इस समय गलने लगेगा। तो मैं स्लो की हूँ गैस को, और इसे टमाटर गलने तक पकाऊंगी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये गोभी हमारा पक चुका है, देखिए ये देखिए बिल्कुल। तो चलिए मैं सर्व कर लेती हूँ। ये सर्व कर चुकी हूँ, तो थोड़े से हरे धनिया से गार्निश कर दे। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट गोभी की सब्जी बनाई हूँ सूखी। तो इस तरह से बनाएं और खाएं। और हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।